ओके, पहुंच गया बीच पे, मांडवी बीच। वहाँ पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है। ये एक पार्किंग है, अभी मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और अगर आप मांडवी बीच आ रहे हो तो ट्राई करना कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी ट्रिप का फोर्थ डे है और मैं आज जा रहा हूँ मांडवी। मांडवी के बाद मैं जाऊँगा लखपत। प्लान में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, मैं मांडवी कल ही जाने वाला था शाम को, बट मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। वो मैं आपको रास्ते में आज दिन बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है मेरा। अभी मांडवी को एक्सप्लोर करके मैं लखपत मांडवी से 157 किलोमीटर दूर होगा, फिर वहाँ से रात को वापस आऊँगा भुज। तो आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है, तो बहुत सारी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को। मांडवी का जो भी जो डिस्टेंस है वो है 72 किलोमीटर्स का, और राइट नाउ टाइम हो रहा है 5:41। मेरे को नारायण सरोवर जाना होता तो मैं सीधे चला जाता, बट वो मैं मांडवी घूमने के बाद जाऊंगा नारायण सरोवर। अभी मेरे को लेना है यहाँ से लेफ्ट टर्न। सिटी के बाहर आ चुका हूँ, अब रोड्स अच्छी हो गई हैं। सिटी के अंदर तो नॉर्मल रोड्स थी और बहुत सारे स्पीड ब्रेकर थे, अब आराम से हाईवे है ये भुज मांडवी हाईवे। क्यों रुका हूं, बाहर गाड़ी से उतर के दिखाता हूं आपको इस सनराइज को देखने के लिए। अभी सन डाउन है बट आप देख सकते हो ऑरेंज हो गया है। फोकस, कैमरे से इतना पता नहीं चल रहा होगा बट रियल में देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने पेंटिंग बना रखी है। सुबह हुई थी और गाय, छोटे छोटे पिल्ले तो छोटे होते हैं, सब रोड पे आ गए हैं। अब थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें आपको वहीं मिलती है जहाँ पे कोई सिटी हो या कोई छोटा सा गांव हो, बाकी अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। एकदम सीधी रोड है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं बाहर से दिखाता हूँ। मांडवी जाने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो वहां पे बीच है, प्लस मेरे को वहां पे विंड मिल देखने को मिलेगी। और मैंने अभी जस्ट मेरे को एक नजर आई है, पता नहीं आपको कैमरे पे पता चलेगा कि नहीं चलेगा अभी यहाँ पे, बट जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मांडवी बीच पे मेरे को बहुत सारी वहां पे विंड मिल देखने को मिलेंगी। ये जो रोड है भुज से मांडवी वाला, इस पे आपको पेट्रोल पंप इजीली मिल जाएगा, रिजॉर्ट आपको देखने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ कोई रेस्टोरेंट और ढाबा मिल जाएंगे, बट वो आपको सर्च करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर 4-5 किलोमीटर के अंदर आपको इजीली मिल जाए, आपको गूगल करके या आसपास रोड पे देखते हुए चलना पड़ेगा अगर आपको ऐसी कहीं जगह रुकना है। बाकी रोड तो बहुत ज़्यादा सीनिक है, आप देख सकते हो। बस भुज वाला जो पैच था, भुज के अंदर वाला, वो सिटी के अंदर वाला, उसके बाद जब हाईवे आता है फिर एक दो पैच ही ऐसे आता है कि जो थोड़े गड्ढे वगैरह और स्पीड ब्रेकर थोड़ी टाइम के बाद आते रहते हैं, इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आते,
बट आते रहते हैं, स्पीड को मेंटेन रखने के लिए कोई ज़्यादा ओवर स्पीडिंग ना करें। बाकी हाईवे अच्छा है, और अभी मांडवी का जो डिस्टेंस रह गया वो रह गया 13 किलोमीटर का। ओके, पहुंच गया बीच पे, मांडवी बीच। वहाँ पार्किंग में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, ये पार्किंग है। अभी मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और अगर आप मांडवी बीच आ रहे हो तो ट्राई करना कि आप रूट को पहले से ही चेक कर लो, क्योंकि अगर आप भुज से मांडवी आओगे और बीच की लोकेशन डालोगे तो ये आपको सिटी के अंदर अंदर से निकालेगा, जहाँ आपकी गाड़ी थोड़ी फंस सकती है। मेरा स्टार्टिंग में सुबह सुबह ही गया था तो वहाँ पे मार्केट क्लोज था, तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। फिर मैंने दोबारा से रूट चेंज किया, सही वाली लोकेशन डाली, दूसरी लोकेशन डाली, फिर इसने दूसरा मेरे को रास्ता दिखाया। अब जाके मैं फाइनली बीच पे पहुँच गया हूँ। अब चलते हैं बीच की तरफ, अभी तो मैं पार्किंग लॉट में ही हूँ। इस बीच पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बट मैं एक भी एक्टिविटी नहीं करने वाला, एक्टिविटी और किसी बीच पे करेंगे। मैं अभी सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही घूमने आया था बीच पे। आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। जब मैं बीच पे आया था तो मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करने वाला हूँ, और मैं ये एक्टिविटी करके जो मैं मज़े लेता वो मैंने ड्रोन फ्लाई करके मज़े ले लिए, और आपको भी अच्छा लगा होगा। ये सारी एक्टिविटीज़ तो मैं कभी गोवा केरल के बीच पे भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा हुआ मैं आज सुबह आया हूँ, क्योंकि अगर मैं कल शाम को आता तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता एंजॉय करने के लिए। आज मेरे पास पूरा दिन है, मैं और भी एक घंटा रुक सकता हूँ बीच पे, बट अभी मेरे को वहाँ पे जो वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे मेरे को अभी जाना है, और राइट नाउ टाइम हो गया है 9:01। और ये वाला जो बीच है ये दिल्ली वालों के लिए सबसे क्लोज बीच है, देखा जाए तो दिल्ली के सबसे क्लोज जो बीच है ना वो यही वाला मांडवी वाला, वरना गोवा केरल वगैरह के तो बहुत ज़्यादा दूर है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अकेले हूँ मैं, पर तब भी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच ली, और अच्छी वाली फ़ोटोज़ खींच ली हैं। अभी थोड़ी देर और रुकते हैं, अभी यहाँ पे एक मोशन लैब बन रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक वॉक करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से।
चलो सारी चीजें हो गई, फोटोशूट वगैरह वीडियो शूट अच्छे से कर ली सब कुछ। अब यहाँ से निकलते हैं, एक वॉक करते हुए चलते हैं ऐसे, फिर निकलते हैं यहाँ से। निकलते हैं अब यहाँ से। जूतों में रेत भर गई। बहुत गर्मी है बाहर, गाड़ी में वापस आ गया, मस्त एसी ऑन करके बैठा हूँ, पसीने चुकाए, अब यहाँ से निकलते हैं।